Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum Satya. I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. आज हमारा क्वेश्चन है क्रिटिकल प्रैक्टिस से और हमारे व्यूवर्स ने इसकी फरमाइश की जनाब कि क्रिटिकल प्रैक्टिस के क्वेश्चन और पॉलिटिक्स के क्वेश्चन और क्रिटिसिज्म के क्वेश्चन इन्हें करवाए जाएँ. तो अब क्रिटिकल प्रैक्टिस का ये क्वेश्चन हमारा जो रहता था उसको मैं आज करने वाली हूँ. और इस क्वेश्चन के बारे में आपको ये बता दूँ कि ये स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है. कैथरीन वेल्सी के क्रिटिकल प्रैक्टिस से उठाया गया ये क्वेश्चन है. और कैथरीन वेल्सी हम ऑलमोस्ट तकरीबन फिनिश कर चुके हैं, सिर्फ ये उनके बस जस्ट दो टॉपिक ही रहते हैं, फिफ्थ और फोर्थ वाला. फोर्थ वाला हम आज करते हैं और फोर्थ वाले से पहले हम ये समझ लें स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है. स्ट्रक्चरलिज्म ये है कि जनाब के मतन के तजज़िये के ज़रिए और इसके मुताबिक तनकीद और तौसीह का जायज़ा लिया जाए. मतन क्या होता है? टेक्स्ट होता है. और ये वो तरीका है जिसमें हम लैंग्वेज लर्न करते हैं. और इसमें स्ट्रक्चरलिज्म में साइंस होते हैं, जैसे कि ये एक साइन ही है ना, स ठ र य ख प उ म, ये सब साइंस हैं. यानी ABC के लेटर्स को साइन कह रहे हैं. और सिंबल्स वो होते हैं जो इस लेटर के बाद बनने वाली तस्वीर होती है. जैसे कहा जाता है ना, ए फॉर एप्पल, अ एप्पल, तो एप्पल हमें जो सिंबल दिया जाता है वो साइंस के बाद आता है. और ये 20th century में स्ट्रक्चरलिज्म जो है ये बहुत पॉपुलर था. और एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो होते हैं जो इंसानी बिहेवियर को समझते हैं, वो इसको बहुत ज़्यादा इस पर काम कर रहे थे, इसको समझने की कोशिश कर रहे थे. और इसके बाद ये भी था कि थिंग्स को समझने के लिए हमें आइसोलेशन नहीं चाहिए, सोसाइटी चाहिए. हम जो कुछ समझना चाह रहे हैं उसको समझने के लिए हमें पब्लिक में आके इसे समझना होगा. बात अगर सिंपल रीलिंग्स में करें तो स्ट्रक्चरलिज्म बिलीव इन टेक्स्ट फिक्स्ड विद रियल वर्ड्स. स्ट्रक्चरलिज्म में क्या होता है कि हम बिलीव करते हैं कि टेक्स्ट इज फिक्स्ड विद रियल वर्ड्स, कि टेक्स्ट अपने अल्फाज के साथ फिक्स है. जो शायर ने हमें दिखाना चाहा है, जो शायर ने हमें दिखाया है, दैट्स राइट, नथिंग इज देयर टू फाइंड एनी मोर, कुछ नहीं हमने ढूंढना. और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? ये उसी का बाइनरी ऑपोजिशन है, उसी का उल्टा जाता है. ये कहता है जनाब नो, रीडर रिस्पॉन्स होनी चाहिए, रीडर का रोल होना चाहिए. और ऑल रीडर्स आर क्रिटिक और दे हैव डिफरेंट थ्योरीज. ये दोनों हमारे आज बहस मुबादले में आने वाले क्वेश्चन हैं. उससे पहले हम जानते हैं कैथरीन वेल्सी एक प्रोफेसर हैं और जिन्होंने बहुत काम किया है लिटरेचर पर, क्रिटिसिज्म पर, हिस्ट्री पर और कल्चर पर. और क्रिटिकल प्रैक्टिस 1980 में इनकी बुक है जो मंजरे आम पर आई है. और ये डिफरेंट चैप्टर्स रखती है जिसमें मुख्तलिफ चैप्टर्स में इन्होंने मुख्तलिफ थ्योरीज बताई हैं. अब ये जिस चैप्टर की थ्योरी की बात हो रही है वो इन्होंने मुख्तलिफ क्रिटिक्स से थ्योरीज को पेश नज़र रखते हुए बात की है. सुशार्सियन थ्योरी है, मार्क्सिस्ट थ्योरी है, इसके बाद अल्थुसासर्स की थ्योरी है. इन सब थ्योरीज के बारे में बात किया जो हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं. अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये एरिस्टोटलियन क्वेश्चन, ये बिल्कुल आउट ऑफ ऑर्डर है. ये इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं है. सिर्फ मैंने हेडिंग के लिए इसको रखा है. ये क्वेश्चन को आप इग्नोर करें. ये क्वेश्चन रेमंड विलियम का यहाँ पर पब्लिश हो चुका है. यहाँ पर आते हैं तो ये हमें बताना चाहते हैं द टर्म इज स्ट्रक्चरलिस्ट. ये जो स्ट्रक्चरलिस्ट की एक इस्तलाह है जनाब, क्या इस्तलाह है? यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये अननाउन है और टेक्स्ट के फिक्स्ड मीनिंग्स हैं. ये सब स्ट्रक्चरलिज्म और स्ट्रक्चरलिस्ट करते हैं कि टेक्स्ट के अपने मफहूम होते हैं, अपने मीनिंग्स होते हैं. और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्या है जनाब? जो कहते हैं कि रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी दे, रीडर पढ़े और फिर रीडर से हमें इसका पता चले कि क्या है, रीडर की पावर क्या है. रीडर जब पढ़ता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट की थ्योरी के मुताबिक तो वो एक्सप्रेसिव रियलिज्म भी बन जाता है और वो रीडर रिस्पॉन्स भी बन जाता है. इस वजह से पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैज इंटरेस्ट इन द perception of reader's mind. Reader evaluate the text and reader is free. ये हमारी पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट की थ्योरी है. उन्होंने क्या बोला जनाब? रीडर ही हमारे आगे आएंगे. और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट बिलीव्स रीडर्स आर इंडिपेंडेंट एंड कैन गेट मीनिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन अंडरस्टैंडिंग. जाहिर है रीडर आज़ाद है जब पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात होती है, अपने मीनिंग्स निकाल सकते हैं. ये नहीं कि स्ट्रक्चरलिज्म में फिक्स मीनिंग उनको दे दिया गया है. वो स्ट्रक्चरलिज्म को आके किसने डिनाई कर दिया? पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट की थ्योरी ने. और ये थ्योरी सारी 20th century की डिस्कस्ड होती है.
और इस थ्योरी पर, इन दोनों थ्योरीज पर आज हमने बात करनी है, जिसमें हमने परसेप्शंस देखने हैं किसके किस तरफ को जाते हैं। और करंट नोट से ही आपने कहा था यदि आपको क्वेश्चन करवाए जाएं, तो करंट नोट से ही हमने इसको लिया है। इसमें और भी थ्योरीज आने वाली हैं, आगे हमें एक और थ्योरी मिलनी है, डी कंस्ट्रक्शन की थ्योरी। उस कंस्ट्रक्शन की थ्योरी पर हम उस वक्त बात करेंगे जब हम उस पर पहुँचते हैं। चलें जनाब, द टर्म स्ट्रक्चरलिस्ट, स्ट्रक्चरलिस्ट की जो टर्म है अब आपको पता चल गया है, फिक्स्ड मीनिंग एंड द पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट लाइक रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, नो फिक्सिंग मीनिंग्स, डिफरेंट मीनिंग्स बाई डिफरेंट रीडर्स आर लेबल्ड इम्पोज्ड। ये वो लेबल होती हैं किसी चीज़ पर जब उसको नाम दे दिया जाता है, तो ये मुसल्लत किए गए हैं जनाब फॉर कन्वीनियंस के हमें सहूलत दे ऑन मूड्स ऑफ थॉट, के हमारे थॉट्स के कौन कौन से मूड्स हैं, हमारी तबीयत किस तरफ जा रही है, ये हमें सहूलत के तौर पर ये दोनों नाम मिलते हैं। ईच टर्म, ये जो दोनों टर्म्स है कौन सी है, स्ट्रक्चरलिस्ट एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट, इनफैक्ट इनकम्पैसेस, ये क्या करते हैं, ये घेरते हैं हाइट्रोजीनियस एरे। हाइट्रोजीनियस एरे होते हैं मुख्तलिफ इकसाम की तरतीब को ये घेरते हैं, यानी मुख्तलिफ इकसाम को ये घेर देते हैं, ऑफन कन्फ्लैक्टिंग, जो अक्सर उकात कन्फ्लैक्ट करती हैं, एक दूसरे से तसाद रखती हैं, और डाइवर्जेंट और फैलाव रखते हैं थ्योरेटिकल पोजिशन, किस तरफ फैलाव है उनका, अपनी थ्योरी, अपनी सोच, अपने नज़रिए की हैसियत में उनका फैलाव है, और ये दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट रखती हैं। द प्रीफिक्स पोस्ट, प्रीफिक्स क्या होता है, जो पहले लग जाती है चीज़, वो साथ के ला के हमने किए हैं ना, ये वो बात हो गई है, पोस्ट लग गया स्ट्रक्चरलिस्ट के साथ ही, तो वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट बन गया। ये सजेस्ट क्या कर रहा है, डेट स्ट्रक्चरलिज्म हैज़ नाउ बीन सप्लांटेड बाय अ न्यू थ्योरी। सप्लांटेड क्या होता है, किसी चीज़ को हटा के उसकी जगह कोई दूसरा ले आना, सप्लांटेड हो गई जनाब, वो हट गई है और उसकी जगह एक नया नजरिया आ गया है, एंड इट इज दर हकीकत इट हैज़ बिन कॉन्फिडेंटली, असल में ये बड़े एतमाद के साथ असर्टेड करता है, जोर देता है, यानी अगला नज़रिया जो गुजर चुका है, पिछला नज़रिया अगर उसको डिनाई करना चाह रहा है अगला नज़रिया, तो वो जोर देगा ना। डैट डेरिडा, डेरिडा हमारी एक क्रिटिक है, हैड ब्रॉट द स्ट्रक्चरलिस्ट मूवमेंट, और वो स्ट्रक्चरलिस्ट की मूवमेंट को कौन लाया था, ये अगर आपको उसमें एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि डेरिडा ने इंट्रोड्यूस करवाया था स्ट्रक्चरलिस्ट की थ्योरी और इस मूवमेंट को एट द एंड बाय हिज वर्क, और अपने काम में कौन सा उसका काम था, ऑन डी कंस्ट्रक्शन, डी कंस्ट्रक्शन साख्त का तजिया। ड्रीडा ने जब साख्त के तजिये को डिनाई किया तो वो जनाब स्ट्रक्चरलिस्ट की थ्योरी आ गया। अब स्ट्रक्चरलिस्ट की थ्योरी जब डिनाई होती है तो फिर पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट की थ्योरी आ जाती है। डीकंस्ट्रक्शन क्या है, क्लोजली रीड टेक्स्ट, जैसे हम डीकंस्ट्रक्शन करते हैं अपनी पोइट्री में और प्लेज में, बड़े क्लोज रीड करते हैं हम टेक्स्ट को, विच काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट मीनिंग्स आर इन द टेक्स्ट, के किस किस्म के मीनिंग्स हैं जब हम डीकंस्ट्रक्शंस करते हैं। अभी हमने प्ले किए हैं वेटिंग फॉर गॉड और हैडा डैबल, और हम चारी और शेड अभी कर रहे हैं, इन प्लेस को हम डीकंस्ट्रक्शन के लेवल से कर रहे हैं, इनको देख रहे हैं कि भाई राइटर ने यहाँ सिंबल क्या यूज़ किया, थीम क्या यूज़ किया, इमेजरी क्या यूज़ हुए, ये सब डीकंस्ट्रक्शन में आ गया। इस थ्योरी को ड्रेडा ने जब ख़त्म करके इसके एंड पर स्ट्रक्चरलिस्ट की थ्योरी को पेश कर दिया, एट इन लेट 1960 एंड अर्ली 1970s में ये सब थ्योरीज हमारे सामने आती हैं। From this perspective, अब ये जो हमारा जनाब नुक्ता नज़र है, the concept, ये जो नज़रिया था structuralism का and post structuralism take on a relationship, इन दोनों का आपस में एक रिश्ता बन गया, क्या रिश्ता बन गया, of binary opposition, binary opposition होती है जोड़ेदार निज़ाम, जैसे दिन रात, एक ही लफ्ज़ का उलट, structuralism, post structuralism, ये दोनों आपस में binary opposition में आ जाते हैं, दोनों जोड़ेदार निज़ाम के हैसियत से सामने हमारे आते हैं, दिन रात लगा लें, मोहब्बत नफरत लगा लें, ऐसे बाइनरी ऑपोजिट वर्ड्स में आ जाते हैं। इनकी ऑपोजिट थ्योरी है ना, वो कहता है जी फिक्स मीनिंग है, स्ट्रक्चरलिस्ट पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट आ जाता है, वो कहता है नहीं नहीं फिक्स मीनिंग कोई नहीं, जो रीडर जिस माहौल में, जिस सोसाइटी में, जिस माशरे में, जिस जुबान में इसे पढ़ता रहा पड़ेगा, वो उसका मीनिंग उस वक्त क्रिएट कर लेगा, तो वो उसे फ्री माइंड दे देता है, फ्री हैंड देता है कि जी आप अपने माशरे के लिहाज से इसे पढ़ें। In which the latter term is privileged, privileged जब करती है ये latter term, यानी ये मराहत याफ्ता होती है, इसका मतलब होता है जनाब सहूलियात हैं, privileged मराहत याफ्ता में आते थे, यानी नौकरी तो मिली हुई है, साथ साथ नौकरी की और भी बड़ी सहूलियात मिली हुई हैं, बाद में आने वाली जो है ना उसको काफ़ी सहूलियात मिल गई हैं, उसको कितनी आज़ादी मिल गई है वो भी फिक्स नहीं है। ये जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी है हमारी, ये तो मराहत याफ्ता हो गई, इसको तो बहुत सारी सहूलियात मिल गई हैं,
कि आप अपनी मीनिंग्स क्रिएट करें अपने सोसाइटी के लिहाज से, अपने माशरे के लिहाज से, अपने माइंड के लिहाज से. अब हमने की ये डिजेक्शन एंड ऑर्डर, हमने अपने माइंड के लिहाज से उसको सिलेक्ट किया. जी सारा कौन सी थी? सारा बेगम भी तो उस वक्त उसके पास नहीं थी, सारा उसकी जो महबूबा थी वो भी उसके पास नहीं थी. तो कौन सी सारा उसने, ये हमने रिकंस्ट्रक्शन किया था उस पोइम को जाकर अपने आइडियाज़ के मुताबिक, अपनी नॉलेज के मुताबिक भी, कॉलरिज के इस वक्त क्या हालात चल रहे थे. ये सारा होता है इसमें जब हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म करते हैं, डीकंस्ट्रक्शन करते हैं और हम आज़ाद होते हैं. बाइनरी ऑपोजिशन कर रहे हैं ना भाई, किसी क्रिटिक ने कोई थ्योरी दे दी, किसी क्रिटिक ने कोई थ्योरी दे दी और हमने अपनी थ्योरी दे दी. ये सारा चलता है बाइनरी ऑपोजिशन में, जोड़ेदार निज़ाम के जरिए चलता है. और फिर हमें मड़ात होती हैं, प्रिविलेज होते हैं हम लोग, हमारे पास सहूलियात होती हैं कि हम ये काम कर सकें. द आउटमोडेड स्ट्रक्चरलिज्म, ये जो जनाब ख़त्म हो चुका, आउटमोडेड हो गया, पुरानी तर्ज होगी स्ट्रक्चरलिज्म की, हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अ न्यू, एक न्यू थ्योरी के साथ वो रिप्लेस्ड हो गई, बदल दी गई है, इम्प्रूव्ड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म. और वो है जनाब बड़ी इम्प्रूव, बड़ा आगे से उस पर बेहतरीन किस्म का काम हुआ है, वो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म. अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट, अगर इस हकीकत के जनाब साइड पर रख कर इसको देखा जाए, डैट सच बाइनरी अपोजिशन है, ऐसे जो जोड़ेदार निज़ाम होते हैं आर एंथीमा. ये क्या होते हैं? ये बहुत बुरे हैं. एंथीमा मलून हैं, बुरे हैं. टू पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट में आ जाएं तो ये बहुत बुरे हैं, क्योंकि हर कोई अपने मतलब निकाल देता है ना, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है. इट इज़ इन फैक्ट समवट मिसलीडिंग टू क्लेम डैट आर रेडिकल ब्रेक टू प्लेस एंड डैट अर्लियर फेस वॉज देयर बाय इनवैलिडेटेड. इनवैलिडेटेड हो गया, गैर मौसर, रेडिकल हो गया, बुनियाद परस्त. अब बताना चाहता है कि जो नई थ्योरी आती है पुरानी को डिनाई कर देती है, तो ये कितना बुरा है, मिसलीडिंग हो जाती है ना उस क्लेम की जिसका दावा किया गया था, बुनियादी तौर पर जिसका दावा किया गया था उसको मिसलीड कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं और उसकी जगह एक नया रुख लेके आ जाते हैं और वो पिछले को कह देता है जनाब ये गैर मौसर है. देर बाय इसी वजह से एक नया फेस हो निकलता है तो पहले फेस को वो गैर मौसर करार दे देता है. ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ने आके स्ट्रक्चरलिज्म को गैर मौसर करार दे दिया. डिवेलपमेंट सर्टन देर अकर्स फ्रॉम विद इन द ओरिजिनल स्ट्रक्चरलिस्ट पोजिशंस. डिवेलपमेंट क्या होती हैं? तरक्कियाँ, फरोग वजीर होना, सर्टनली यकीनन वो वाकया होती हैं फ्रॉम विद इन ओरिजिनल स्ट्रक्चरलिस्ट. असली साख्त देने वाले से ही ये सारी की सारी डेवलपमेंट होती है, ये पोजीशंस, ये हैसियत होती है. एंड डाइवर्जेंट एंड टेंडेंसेस, डाइवर्जेंट मुख्तलिफ रुझानात आते हैं ग्रेजुअली, आते तो मुख्तलिफ रुझानात आहिस्तगी से अरोज़ फिर उठते हैं, बट दीज वर इन पार्ट कंटिन्यूस, लेकिन ये कंटिन्यू रहते हैं, जारी रहते हैं. और वी अप्रेजल्स और इनका नया अंदाज बन जाता है ऑफ लाइन ऑफ थॉट, वो लाइनें जो हमने सोच देती हैं ऑलरेडी इनहेरेंट, जो पहले से ही हमारे वर्से में हमें मिल चुकी होती है ना, अर्लियर स्टेज, हमारी बुनियादी स्टेजेस पर, हमारी पहली मरहलों में जो हमें पहले एक थ्योरी मिल चुकी होती है, उस थ्योरी को आके नई थ्योरी जो है वो मुख्तलिफ रुझानात की तरफ तब्दील कर देती है. एज डेरिडा नोट्स, डेरिडा ने भी तो यही कहा है, वी आर स्टिल इनसाइड स्ट्रक्चरलिज्म, हम अभी भी स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर ही घुसे पड़े हैं, अभी भी हम पोइम को जाके पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट के लिहाज से नहीं देखते. इन सो फॉर एज स्ट्रक्चरलिज्म कॉन्स्टिट्यूट्स, स्ट्रक्चरलिज्म क्या करता है? ये तश्कील देता है, ये तश्कील देता है, जो हम मतन का तजिया करते हैं उसके ही जरिए और उसी के मुताबिक उसको तोसी देते हैं स्ट्रक्चरलिज्म में, तो वो तश्कील देता है. एन एडवेंचर, एक मुश्किल काम ऑफ विजन, तसव्वुर का एक मुश्किल काम बन जाता है. आकन वर्जन्स इन द वे ऑफ पुटिंग क्वेश्चंस, एक ऐसी हमें कन्वर्जन्स मिल जाती है, ऐसी हमें तब्दीलियां मिल जाती हैं कि हमारे सामने मुख्तलिफ क्वेश्चंस आ जाते हैं. टू एनी ऑब्जेक्ट, कहीं से भी उठ के क्वेश्चंस आ जाते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं. भाई छोटा सा बच्चा उठ के एक छोटा सा लफ्ज ले आता है, भाई इसकी थ्योरी बताइए, फर्दर मोर क्या होता है इस वीक ऊपर बात करें, अब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बात करें, कोई कहेंगे मजीद बरा, कोई कहेंगे भाई याद, हाँ आगे की बात ये है, अब मजीद तफसीलात ऐसे हैं. ये एक लफ्ज़ को अगर आप देखें तो उसके डिफरेंट लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट मीनिंग्स डिफरेंट हालात में डिफरेंट औकात में रखते हैं. अब फर्दर मोर बताना चाहता है, राइटर सच एज बर्थस जो हमारे एक राइटर हैं, डू नॉट फिट नेटली इनटू अ सिंगल कैटेगरी, वो एक कैटेगरी में फिट ही नहीं होते. ये बर्थस कहता है जनाब हमारे राइटर्स कुछ हैं जिनको अगर कैटेगरी दी जाए तो वो उसमें फिट नहीं होते हैं. एंड अदर जो दूसरे लेखन, ये जो लेखन है फकलट है, मे बी डिस्क्राइब्ड एज स्ट्रक्चरलिस्ट इन वन टेक्स्ट. इन दोनों को, लेखन और फकलट को, अगर एक ये नफ्सियात दान है
अगर इन नफ्सियातदान को हम एक तरफ कहें जनाब दे बिलीव्स इन फिक्स्ड रियल वर्ड्स, उन पे यकीन करते हैं, स्ट्रक्चरलिस्ट हैं एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट इन अदर, और दूसरे ही लम्हे ये अपनी जब थ्योरीज पेश कर देते हैं तो ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट बन जाते हैं, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी दे देते हैं। एक तरफ तो ये बिलीव कर गए इन द फिक्स मीनिंग ऑफ द रियल टेक्स्ट, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं नहीं जी जनाब रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी होती है, रीडर का अपना एक पावर होता है, हमने पढ़ा तो हमें ये लगा, तो ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट भी बन जाते हैं। स्ट्रोक क्लासेस दैम, ये स्ट्रोक हमारे एक और नकात हैं जिन्होंने इस किस्म के जो राइटर्स हैं, नफ्सियातदान हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जो भी क्रिटिक्स हैं, उनको उन्होंने क्लासिक्स कर दिया, उनको तफरीक दी, उनको तबकात में डाल दिया कि ये इस तबके का है, ये इस तबके का है। देम एज अ फॉर्मर उन्होंने कहा पहले ये है सेल्डन, सेल्डन हो गया शाजो नाजर करने वाले, और बाद के तबके में ये बन जाते हैं लॉज। लॉज क्या होते हैं? अर्जी क्याम करते हैं। क्यों अर्जी क्याम करनी है? पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट को भी तो काट के कोई और थ्योरी आ जाएगी, तो ये जनाब पहले थे सेल्डन, इसी किस्म के लोग जो इसी किस्म की थ्योरीज देते हैं और उसके बाद बन जाते हैं ये लॉज। ये दोनों वर्ड्स हमारे बड़े अच्छे हैं। इट इज़ पॉसिबल ऐसा मुमकिन है हाउ टू आइडेंटिफाई सर्टेन मेजर डिफरेंसेस, चलें जी इनके मुख्तलिफ किस्म के फ़र्क और इनकी तफरीकों को जाहिर करते हैं बिटवीन द टू अप्रोचेस, दो अप्रोचेस जो हैं, दो उनकी जो थ्योरीज हैं, नेमली उनका नाम क्या है? वेयर स्ट्रक्चरलिज्म सॉट टू एस्टैब्लिश अ साइंस। स्ट्रक्चरलिज्म में क्या होता है? रियल फिक्स मीनिंग्स जो ढूंढते हैं ये तो एक साइंस की तलाश करते हैं, और पोइटिक्स और एक शायराना अंदाज के साथ ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर के अंदर ये तलाश करते हैं, और कल्चरल सिग्निफाइंग प्रैक्टिसेस एज अ होल। सिग्निफाइंग क्या है? इशारे, उनको मुकम्मल इशारों के जरिए सारे का सारा ये प्रैक्टिस करते हैं, ये इन तरीकों से, इशारों के तरीकों से इनको ढूंढते हैं। अब हमें इशारे मिलते हैं, सिग्निफाइंग इशारे कौन से हैं? जब हम एक लिटरेचर में कोई पोइट की कोई पोइट्री कर रहे होते हैं तो हमें वहाँ इशारे मिलते हैं, कलर्स के इशारे मिलते हैं हमें, इमेजरी के, सिंबल्स के, भाई यहाँ पर शायर ने यहाँ इस सिंबल को इस सिंबल से मिलाया है, ये सारे हमें सिग्निफाइंग मिलते हैं ना उसमें होल लिटरेचर में, और यही वो स्ट्रक्चरलिज्म है, इसकी तलाश होती रहती है। अब पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थाट वो क्या सोचता है? फॉलोइंग रेडार्स क्रिटिक, जैसे कि रेडार्स जो नकाद हैं, इनका मौकफ क्या है? ये कहते हैं ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ प्रिज्म, से ये कहते हैं जनाब जो अभी मौजूद है ना इल्म इंसान की, इंसानी रूह, मेटाफिजिक्स पे यकीन रखते हैं, ये कोई साइंस पे यकीन नहीं रखते। सिग्निफिकेंट ये नहीं कह सकते कि जनाब ये आप, अगर आपने ये साइन बताया तो इस साइन का ये मतलब है, ये कहते हैं मेटाफिजिक्स पे यकीन रखें, इनका मतलब है कि इंसानी इल्म रूह उस पे यकीन रखें, मेटाफिजिक्स की बात करें। हैज़ टेकन एन एंटी साइंटिफिक, और इसने क्या बना दिया? इसने एक एंटी साइंटिफिक कर दिया है, जिससे कहते हैं ना कि साइंस के बरअक्स सी बात कर दी है, साइंस के बरअक्स जो बात चली जाती है वो एंटी साइंटिफिक कहलाती है, और स्टेंस उसके एंटी साइंटिफिक में उसका स्टेंस है, उसका मौकफ है। एंड परस्यूइंग का कह रहा है हमें मजीद मुलव्वस कर रहा है, उसकी तरफ धकेल रहा है द इनफिनिट ला, महदूद प्ले ऑफ सिग्निफायर्स, के सिग्निफायर्स में कितने ज़्यादा मीनिंग्स निकल रही हैं उसकी तरफ हमें धकेल रहा है। अब ये लैंग्वेज की यहाँ बात हो रही है, अब जो लैंग्वेज कर रहे हैं उनको पता होगा कि सिग्निफाइंग में क्या आता है जनाब, हमें साइंस दिए जाते हैं, इशारे दिए जाते हैं, और सिग्निफायर्स वो इशारों से बनने वाले तस्वुरात जो हमारे दिमाग में आते हैं। अगर यहाँ पर हमारे दिमाग में लेसन आ जाता है, जैसे पोइटिक्स की बात हो गई है तो पोइटिक्स के साथ ही हमारे जहन में शायराना बातें शुरू हो जाती हैं, साइंस की बात होगी तो हमें साइंसी चीज़ें नज़र आएंगी, ये इशारे हमें महसूस होने लग गए हैं, ये सारी बात यहाँ पर करना चाह रहे हैं। Has resisted the imposition of any organism system. Organism होती है मुनज़्ज़म, system भी हमारे इंतज़ाम में आ जाता है, और imposition आयद निज़ाम, जो आयद निज़ाम होता है वो imposition होता है, resist मज़ाहमत हो जाती है, signifiers आ जाते हैं तो मज़ाहमत हो जाती है, जो निज़ाम चल रहे होते हैं उन निज़ाम्स के अंदर। अब मेरे जहन में ये poetics का meaning poetry आ गया है, अब अगर किसी और ज़ुबान में होगा तो मे बी इसका मतलब कुछ और हो, बाजू का होता है लैंग्वेज के हिसाब से आपका, जैसे व्हाट हम कहते हैं भाई, व्हाट इंग्लिश में क्या है, और पंजाबी की तरफ जाएं तो व्हाट के वो हज़ारों मीनिंग्स निकल रहे थे कि वो जब मैंने भी वो इतनी लंबी सी पोस्ट पढ़ी तो मैं हैरान हो गई कि ये व्हाट के इतने मीनिंग्स हैं कि मेरे पेट में व्हाट फिर रहा है, मैंने हट्टी से कुछ पैसे व्हाट में है, ये पंजाबी में जाएं तो कितनी इसके मीनिंग्स निकल, ये सिग्निफायर्स हैं ना जो मुख्तलिफ किस्म के हैं, ऑर्गेनाइजम्स हैं लेकिन रिजिस्ट करते हैं, मज़ाहमत करते हैं इम्पोजिशंस के, ये जो आयद निज़ाम हैं, आयद निज़ाम है उसमें डिफरेंट मीनिंग्स हैं।
इंग्लिश में कुछ और मीनिंग है, उर्दू में कुछ और मीनिंग्स है, अरबी में कुछ और मीनिंग्स है, ये सब डिफरेंट आता है। इन एडिशन अगर मज़ीद इसमें इजाफा करते हैं, रेंज ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरल इज़, उनकी जो एक लंबी रेंज चली आ रही थी अप्रोचेज उनकी थ्योरीज की, आर आ सेंथेसिस, सेंथेसिस हैं वो सारे के सारे। सेंथेसिस क्या होते हैं? सारे अल्फाज को जोड़ा जाए और फिर इनकी बनावट दी जाए। सेंथेसिस भी एक ऐसी तरकीब है जिसमें हम सारे अल्फाज इकट्ठे करते हैं, जैसे एक लफ्ज से अगर हमने मीनिंग्स फिल नहीं होता तो हम पूरी लाइन को क्रिएट करके स्टडी करते हैं और फिर उस लाइन के बाद उसका ट्रांसलेशन करते हैं कि भाई ये मीनिंग हमारा आपसे हो रहा है, वो हम सिंथेसिस कर रहे हैं। ऑफ डी कंस्ट्रक्शन, डी कंस्ट्रक्शन हमने देख लिया, डी कंस्ट्रक्शन क्या था? जो हमने अल्फाज को सारा अंदर से जाके उनका तनकीदी जायजा लिया था और उस फलसफियानों और अदबी बुनियादों पर हमने उस पर बात की थी, वो हमारी डी कंस्ट्रक्शन थी। डीकंस्ट्रक्शन को अगर देखें, गौर से देखें, तो क्लोजली रीड टेक्स्ट विद एन काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट मीनिंग्स, जो हमने टेक्स्ट के कॉन्ट्राडिक्ट मीनिंग्स के साथ पढ़ा। हैडा को अगर स्टडी किया आपने, डीकंस्ट्रक्ट अगर हैडा को किया है, उसकी अगर हमने मीनिंग्स निकाले तो हमने उसका सिंथेसिस किया, सारे अल्फाज को जोड़ा, ये आर्मचेयर किस चीज़ की अलामत है, फ्रंट विंडो किस चीज़ की अलामत है, ये चूल्हा किस चीज़ की अलामत है, हैडा जनाब इस वक्त यहाँ चल रही है कमरे में क्या अलामत है, ये सारे हमने डीकंस्ट्रक्शन करने के बाद सिंथेसिस किया है, सारे अल्फाज को जोड़ा है और फिर उनको बनावट दे दी और फिर हमने उसकी एक थ्योरी एनालाइज कर ली, एक थ्योरी समझ ली। एंड अदर थ्योरीज, जो दूसरी थ्योरीज होती हैं, डाइवर्ट फ्रॉम मार्क्सिज्म्स, मार्क्सिज्म्स भी एक हमारे फिलोसोफर हैं, एक पर्सन्स निकलती हैं, एक पॉपुलर पर्सनालिटी निकलती है, इन्होंने क्या किया है कि फेमिनिज्म नस्वानियत पे बात की है और साइको एनालिसिस नफ्सियाती तजज़े पे बात की है, विच प्रोड्यूस मोर हिस्टोरिकल एंड सोशली, और वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा तारीखी तौर पर और सामाजिक तौर पर ओरिएंटेड क्रिएटेड, ओरिएंटेड क्रिएटेड करते हैं उसको, हमारे सामने मजीद बनाकर पेश कर देते हैं। ओरिएंटेड अगर देखें तो ये होता है माहौल से आगाही पैदा करने वाले। अब ये सारों ने हमें क्या दिया है, माहौल से आगाही दी है ना। ओरिएंटेड क्रिटिक हमारे सामने पेश किया है ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट के बारे में मार्क्सिज्म ने हमें बताया कि भी माशरे में क्या हो रहा है, तारीख में क्या हो चुका है, और इसको ओरिएंटेड क्रिटिक करने हैं ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट का ओरिएंटेड क्रिटिक, माहौल से आगाही पैदा करने वाली बातें हमें ये क्रिटिक्स बताते हैं। देन तब क्या होता है, वॉज द केस विद मोर अ हिस्टोरिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, अब स्ट्रक्चरलिज्म में जाता है ना तो ये जो मामला होता है ना गैर तारीखी हो जाता है। क्यों? स्ट्रक्चरलिज्म में जाके तो उन्होंने इसको तारीख से हटा देना, उन्होंने कहा भाई तारीख छोड़ो, अभी भी इसके अब की मीनिंग बताओ मुझे, रियल फिक्स मीनिंग अब के इसके क्या है वो निकालें, अब हिस्टोरिकल के साथ आ लग गया है तो ये गैर तारीखी हो गया है। दीज लेटर, और यही बाद में डेवलपमेंट्स और डेवलपमेंट होती है, इसकी और फ़र्क होती है, कंट्रास्ट तो ये भी उत्साह बन जाता है विद द एक्सटेंसिबल टेंजिबली अपोलिटिकल, अपोलिटिकल को देखें जनाब तो ला सियासी है और टेंसिबली बनावटी तौर पर, अपोलिटिकल अहिस्टोरिकल आ जिस वर्ड्स के साथ लग रहा है वहाँ ला मफहूम आ रहा है, गैर मफहूम आ रहा है, यानी उसके मीनिंग्स में वो हिस्टोरिकल तारीखी, अहिस्टोरिकल ला तारीखी, पोलिटिकल सियासी और ये अपोलिटिकल गैर सियासी, ये सारे हो गए बातें हमारी। आगे चलते हैं, दीज लेटर और यही बात की डेवलपमेंट जो तरक्कियाँ होती हैं कंट्रैक्ट्स तो साथ होती हैं विद द ऑस्टेंसिबल बनावटी तौर पर अपोलिटिकल गैर सियासी ब्रांड बन जाते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के और कॉल्ड डी कंस्ट्रक्शन, तो इनको बाद में क्या कहा जाता है जनाब, डी कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन और सिंथेसिस, ये सब हमारे मेन पॉइंट्स हैं, इनको अच्छी तरह समझ लें तो हमारा ये क्वेश्चन इजी लग रहा है। ओके जनाब, डीकंस्ट्रक्शन की बात हमने कर ली, क्या था डीकंस्ट्रक्शन, क्लोज रीड, क्लोजली रीड द टेक्स्ट, जो हमें डीकंस्ट्रक्शन करवाया जाता है हमारे पोइट्री के और प्ले के पेपर में, ये हम डीकंस्ट्रक्शन करते हैं, क्लोज रीडिंग करते हैं, लार्जली प्रैक्टिस इन यूएसए, और यूएसए में इसकी बड़ी ज़बरदस्त इस पर प्रैक्टिस प्रैक्टिसाइड्स होता है, प्रैक्टिसाइड्स होता है, काम होता है, विच डज नॉट रिलेट लिटरेरी क्रिटिसम्स, और इसका लिटरेरी अदबी क्रिटिसिज्म से कोई ताल्लुक नहीं होता, टू वाइडर सोशल कॉन्सर्न्स, इसका बहुत बड़ा सामाजिक ताल्लुक होता है, एनी मोर देन डिड न्यू क्रिटिसिज्म, ज़्यादातर नहीं लेकिन न्यू क्रिटिसिज्म, जदीद तनकीद निगारी के साथ इसका ताल्लुक होता है rather than literary criticism. A further tendency, अगर आगे आए जनाब एक मज़ीद रुझान ये भी बताया जाता है, discernible, discernible,
समझदारी इन द लेटर फ्रेज, बाद के रूख में तो कुछ समझदारी नजर आ रही है ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म के एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के, इज दैट द ऑन्स, क्या क्या ये बोझ नहीं है? ऑन्स होता है बोझ डाल देना, ऑन्स बोझ हो गया किस पर, इज द इंक्रीजिंगली प्लेस्ड ऑन द रीडर, कि रीडर पर बहुत ज्यादा बोझ नहीं डाल दिया हमने, कि रीडर ही मीनिंग्स निकाले, रीडर ही ट्रांसलेशन करे, रीडर ही सारे का जरा ढूंढ के लिए कुछ तो उसे तैयार भेजे ना। अब हमारे पास कुछ मीनिंग्स तो हमें ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, जो हमें पता भी, डार्क का ये सिंबल है, हमने रेड कलर का ये सिंबल है, सी का ये सिंबल है, ट्री का ये सिंबल है, ये कुछ तो हमें ऑटोमेटिकली तैयार मिलते हैं। और कुछ ये वो कह रहा है कि वो रीडर पे बहुत ज्यादा बोझ पड़ जाता है और क्रिटिक्स और कादों पे भी बोझ पड़ जाता है टू प्रोड्यूस मीनिंग, वो मीनिंग हमारे सामने लेके आए रेदर देन सॉली ऑन द टेक्स्ट इटसेल्फ। और ये मुकम्मल तौर पर टेक्स्ट क्या होता है, सॉली मीन मुकम्मल तौर पर, टेक्स्ट यानी ये जो लिखा हुआ हम मवाद पढ़ रहे हैं इसे टेक्स्ट कहते हैं, मतन। बिकॉज पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म चीफली इवॉल्व्ड आउट ऑफ अ क्रिटिक, क्योंकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म बिल्कुल बड़े पैमाने पर तैयार होता है एक क्रिटिक के तौर पर ऑफ प्रैक्टिकल स्ट्रक्चरलिस्ट अजम्पशंस। अजम्पशंस होते हैं मफरूजे, फर्जी बातें, जो प्रैक्टिकल स्ट्रक्चरलिस्ट करते हैं ना बात, उनसे पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट मुकम्मल तौर पर तैयार होता है। स्ट्रक्चरलिस्ट ने जो थ्योरी दी उसी पर आगे आके पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ने काम किया ना, उन्हीं मफरूजों पर, उन्हीं फर्जी बातों पर, कई उन्होंने नई बात तो नहीं ली क्या है, उन्हीं की पिछली बातें नहीं है, कुछ अपनी बातें ऐड की हैं, तो एक नया पैमाना हमारे सामने रख दिया। इट इज फर्स्ट, सबसे पहले नेसेसरी, जरूरी ये है टू आउटलाइन देयर शेयर्ड फाउंडेशन। अब हक्का तैयार कर लें जनाब, आउटलाइन बना लें, जो उन्होंने हमारे सामने अपनी बाउंड्रीज बनाई हैं, अपनी एक बुनियादें रखी हैं, उनका एक खाका देख लेते हैं। इन सुशारियम लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक सुशारियम की थ्योरी के मुताबिक, दिस इज वेयर अ सेंट्रल पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट डेवलपमेंट ऑकर। वो क्या कहता है जनाब, जहाँ पर सेंट्रल, एक मरकज में जब पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आता है तो उसकी डेवलपमेंट होती है, विच डिपेंड्स, और उसका वो डिपार्ट्स और वो अलग हो जाती है फ्रॉम द इनिशियल स्ट्रक्चरलिस्ट, इनिशियल स्ट्रक्चरलिस्ट पोजिशन से वो अलग हो जाती है। जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट अगर मरकज बनता है तो पुरानी थ्योरी से अलहदा हो जाता है, अलग हो जाता है। साख्तियाती लसानियात इसको कहते हैं, ये जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है, इनिशियल होते हैं पहले, पहले से अलहदा हो गई तो वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट बना है ना, अगर वो पहले के साथ रहता तो वो स्ट्रक्चरलिस्ट रहता, उसने नई थ्योरी दी, नई डेवलपमेंट की, तो वो डिपार्ट हो गया, अलग हो गया। इट वॉज सुशारियस लिंग्विस्टिक, वही है थ्योरीज उसने अपनी जो नजरिया दिया है, इन पार्टिकल हिज कॉन्सेप्ट ऑफ द बाय प्रे टेल लैंग्विस्टिक साइंस, बाय प्रे टेल लैंग्विस्टिक साइंस उसने जनाब हमारे सामने रखे हैं और बताने की कोशिश की है कि ये जो लैंग्वेज होती है ये साइंस पे चलती है। लैंग्वेज में हमें साइंस मिलते हैं तो हम कोई वर्ड्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि पहले जो हमारे वर्ड्स होते थे, पहले हम सिंपल रीडिंग कर लेते थे, पहले हमने कभी भी इतने वर्ड्स को आ बा खा मा था ऐसे करके नहीं पढ़ा, ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे करके पढ़ा था ना पहले। अब उसने क्या किया, उसने कहा है कि ये बाइपार्टाइल हो गया है जनाब, ये दो दो हिस्सों पे मुश्तमिल हो गए हैं, अब इनकी यहाँ पर साइंस को तकसीम कर दिया गया है, लैंग्वेज साइन को हमने यहाँ पर आगे थ्योरीज दे दी हैं, इट आर्बिट्रेरी, और ये बाख्तियार है, ये नहीं कि फिक्स हो गया, तो जनाब ये फिक्स हो गया, यहाँ पर आपके बाख्तियार है ये लैंग्वेज थ्योरी, रिलेशनशिप टू रियलिटी उसका ताल्लुक भी हकीकत के साथ है, एंड डायाक्रिटिकल नेचर ऑफ लैंग्वेज। और डायाक्रिटिकल नेचर ऑफ लैंग्वेज क्या है, जिसमें अप्लाइड करते हैं एक पॉइंट और उसको मार्क करते हैं, यूज टू डिस्टिंग्विश लेटर्स, जो हमारे लेटर्स होते हैं जो हमें बताए जाते हैं उनको मार्क्स किया जाता है और दिखाया जाता है कि उनके भी डिफरेंट साउंड्स बनते हैं। जैसे ए है, अगर वो, अगर हम ए अकॉर्डिंग टू खैप अ, ऐसे ये ए अकेला आ गया है नीचे, असिग्निफाइड वर्ड आ रहा है तो ये अ साउंड आ दे रहा है, अब इसी में ई ए सी एच ई एच के साथ पढ़ेंगे तो ए के ही डिफरेंट साउंड निकल रहे हैं। यहाँ वो डायाग्रेटिकल नेचर में मैं बता रहा है कि जनाब ये अप्लाइड द पॉइंट ऑफ एंड मार्क्ड यूज टू डिस्टिंग्विश लेटर्स ऑफ सिमिलर फॉर्म्स और डिफरेंट साउंड्स ऑफ द सेम लेटर लेकिन साउंड डिफरेंट, ये हमारी थ्योरी निकल रही है डायाग्रेटिकल नेचर ऑफ लैंग्वेज में। जैसे अगर हमने ये रेलेवेंस वर्म्स, यहाँ आ ए का साउंड आया है, अ क्रोडिंग में आ आया है, ए नहीं जाके स्ट्रक्चरलिस्ट
क्योंकि जिस लफ्ज के साथ वो जुड़ रहा है ना उसके साथ ही वो अपना साउंड भी चेंज कर रहा है। अलबत्ता वो मैं आ ही की अभी बात कर रही हूँ, लेकिन इसके डिफरेंट साउंड निकलते हैं। ये डायाग्रेटिकल नेचर ऑफ लैंग्वेज है विच हैव स्पेसिफिक रिलेवेंस, इसका बड़ा एक खास किस्म का मुताबकत है उसकी ऑफ ऑल सबसिक्वेंट वेरिएशंस, जो बाद में आने वाली वेरिएशंस है ना, सबसिक्वेंट से बाद में आने वाली वेरिएशंस, तब्दीली ऑफ द स्ट्रक्चरलिस्ट के बारे में एंड द पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरीज में अकॉर्डिंग टू सुशार्स। अब ये सुशार जो है, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ साइंस, ये आपने कोटेशन याद करनी है, ये कोटेशन हमारी लैंग्वेज में भी काम आने वाली है। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ साइंस, लैंग्वेज जो है वो निशानात का एक ऐसा निज़ाम है, ईच ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ सिग्नीफायर, और हर एक के अंदर सिग्नीफायर है। सिग्नीफायर्स क्या हैं? लेटर्स हैं। लेटर्स क्या हैं? साउंड्स, साउंड इमेज एंड रिटन वर्ड, उनमें रिटन वर्ड्स भी हैं। एंड अ सिग्नीफाइड, और ये जो सिग्नीफायर है द कंसेप्ट वर्क बाय द सिग्नीफायर, सिग्नीफायर के जरिए जो हमें कॉन्सेप्ट दिया गया, जैसे वही बताया है कि ए ए ए एप्पल, तो सिग्नीफायर हमारा है एप्पल एप्पल, और उसके बाद हमें सिग्नीफाइड क्या मिला है जनाब, एक कॉन्सेप्ट मिल गया है कि हमारे जहन में एक तस्वुर आ गया है कि ये क्या है, टेबल, टेबल का कॉन्सेप्ट आ गया। ये नहीं कि टेबल के साथ एक बड़ी और जो है ना कुर्सी का कॉन्सेप्ट आ जाए, किसी बड़े से बेड का कॉन्सेप्ट आ जाए, नहीं, वो कॉन्सेप्ट हमें दिखाए जाते हैं कि इस तरह से इनको आगे चलाना है। रेफरेंट एक्चुअल एंटिटीज, अब इसका रेफरेंट है, इसका हवाला दिया जाता है डिफरेंट एंटिटीज मुख्तलिफ ख्यालों का, फ्रॉम द फॉर्म, मुख्तलिफ ख्याल होते हैं फॉर्म, नो पार्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप, और इस रिलेशनशिप के साथ उनका कोई खास ताल्लुक नहीं बताया जाता है। द सिग्नीफायर इज नॉट द थिंग, सिग्नीफायर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बट द मेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ वन, एक इंसान का मेंटल तस्वुर है। अब हमें जो सिग्नीफाइड करवाया जाना जनाब, निशानदेही जो हमें करवाई जाएगी, हमारे उसमें मेंटल कॉन्सेप्ट भी हैं। अगर हम बच्चे हैं तो हम किसी और तरीके से सोचेंगे, बड़े हैं तो किसी और तरीके से सोचेंगे, थोड़े और तजर्बाती हो जाएंगे तो किसी और तरीके से सोचेंगे। ये सिग्नीफाइड है जो जो कॉन्सेप्ट, अगर आप विलियम ब्लेक की तरफ जाएं, जब वो इनोसेंस में होते हैं तो वो किसी और तरीके से सोचते हैं, उनका मेंटल कॉन्सेप्ट और कुछ है, लेकिन जो ही उनका सिग्नीफाइड, उनको निशानदही करवाई जाती है किसी तजर्बाती लिहाज से, तो उनका सिग्नीफाइड, उनका निशानदेही का तरीका, उनका सोचने का तरीका चेंज हो जाता है। यही उसने कहा है रेफरेंट, ये जो हवाले दिए गए हैं ना, एक्चुअल एंटिटीज, एंटिटीज में अगर देखें तो इदारे भी आ जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की हस्तियां भी आ जाती हैं। फॉर्म क्या शक्ल बनाते हैं? नो पार्ट, कोई शक्ल नहीं है, कुछ कोई हिस्सा नहीं होती इस रिलेशनशिप, इस ताल्लुक में। सिग्नीफाइड, ये जो सिग्नीफाइड है, ये जो निशानदेही है, इज नॉट अ थिंग, कोई चीज़ नहीं है, बट द मेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ वन, किसी शख्स के उसके दिमागी तसव्वुर के बारे में, उसके दिमागी कॉन्सेप्ट के बारे में ही एक निशानदेही है, वही पेश करता है। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द साइन, और अगर हम देखें दोनों का ताल्लुक साइन का, एंड इट्स रेफरेंट, और उसके हवाला जात देखें, इस कम्प्लीटली आर्बिट्रेरी, और वो मुकम्मल बाख्तियार हैं। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट भी तो यही कहते हैं जनाब कि आप मुकम्मल बाख्तियार हैं, आप खुद ही निकालें इसके मीनिंग्स, आप खुद ही उसके डिटरमाइन करें जो आपको मीनिंग्स देने हैं, आप पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है। एज द कनेक्शन बिटवीन सिग्नीफायर एंड सिग्नीफाइड, और इसका कनेक्शन वही है, इसका ताल्लुक वैसे ही है जैसे सिग्नीफायर और सिग्नीफाइड का है। अगर हमने किसी बच्चे को कोई लफ्ज बताया और उसे हमने वैसे ही सिखा रखा है, तो जो हमने उसे सिखाया हुआ उसके जहन में वही तसव्वुर आएगा। अगर हमने उसे कुछ और लफ्ज के, यानी बाजू का तो होता है, हम बच्चों को प्यार की लैंग्वेज में कुछ और वर्ड्स के मीनिंग्स, कुछ और लफ्ज बता देते हैं, तो फिर बच्चे वही सीख लेते हैं। अब ये जो लिंक होता है, दिस लिंक बिटवीन द साउंड इमेज, और ये लिंक है साउंड के साथ और इमेज के साथ। इमेज क्या है? जो तस्वुर आ रहा है। साउंड क्या? जो आवाज़ आ रही है। वर्ड कप, कप, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कप इज द कन्वेंशन, कन्वेंशनल, रवायती है कि कप का ही हमारे जहन में तस्वुर आनी है, नॉट ए नेचुरल, और ये कोई नेचुरल नहीं है, ये हमने सीखा है, ये हमें सिखाया गया है, ये हमें पढ़ाया गया है। इट इज़ अ लैंग्वेज, यही लैंग्वेज है विच आर्टिकुलेट्स, आर्टिकुलेट्स क्या करती है, जो हमें बताती है अपने बयान के साथ, आर्टिकुलेट्स के मफहूम में आ गया है, जो हमें बयान देती है। क्या बयान देती है? द टू कॉन्टिन्यूअल, यहाँ पर वो कॉन्टिन्यूअल ऑफ जम्बल्ड आइडियाज, ये कॉन्टिन्यूअल एंड जम्बल आइडियाज हमें बता रही है कि दो कॉन्टिन्यूअल वो जारी हैं और वो मिक्स आइडियाज हैं, एंड वेज साउंड, और साउंड भी कोई ज्यादा हमारे सामने वाजिया नहीं है, मुबहम किस्म का है। टू लिंक सिग्नीफायर एंड सिग्नीफायर, और लेकिन उसका ताल्लुक किसके साथ है? सिग्नीफायर और सिग्नीफायर के साथ उसका ताल्लुक है, यानी लेटर के साथ उसका ताल्लुक है और ख्याल के साथ उसका ताल्लुक है। किसके साथ उसका ताल्लुक है? साउंड के साथ और इमेज के साथ, इन दोनों का ताल्लुक है। फिर हमारे जहन में एक प्रोसेस चलता है और हम उस बात को आगे लेके निकलते हैं, फॉर्मिंग द यूनिट्स। अब ये क्या करते हैं? ये कुछ यूनिट्स हमारे सामने रख देते हैं,
फॉर्म करते हैं, फॉर्मिंग क्या करते हैं, हमारे सामने पेश करते हैं कुछ यूनिट्स, ऐसे कुछ छोटे छोटे से अल्फाज, सिंगल चीज़ें, सिंगल वर्ड ऑफ मीनिंग, जिनसे हम मीनिंग लेते हैं वही टर्म वर्ड्स, और उनको हम क्या कहते हैं, उनका हम वर्ड्स कहते हैं। देखो छोटे छोटे अल्फाज से मिलके वर्ड बनता है, जैसे डब्ल्यू ओ आर डी, वो डिज वर्ड्स, ये सब यूनिट्स थे, ये सब यूनिट्स को मिलके क्या बन गया, वर्ड बन गया। द सिग्निफायर साउंड इमेज कप हैज मीनिंग ओनली इन दैट इट इज फोनेटिकली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ख खट खप। अब देखें, अब यहाँ पर वो हमें बताना चाह रहे हैं कि जनाब खप खट खप, अगर इनमें देखें तो ख ख ख तो सेम ही है ना, पहला वाला वर्ड तो चेंज ही नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद आने वाले जो स्पेलिंग्स हैं, जो आने वाले यूनिट्स थे, उन्होंने पहले वाले वर्ड को, पहले वाले निशान को, पहले वाली आवाज़ को, उस साउंड को हमारे जहन में बरकरार रखा। सिग्निफायर हमारे हमारे जहन में ही है, लेकिन सिग्निफायर से जो सिग्निफाइड है ना, वो मुकम्मल वर्ड सुनने के बाद ही हमें मिलता है। अगर हम टेक्स्ट की तरफ इसको लेके जाएं बात को, तो जब तक हम एक लफ्ज़ रीड करते जाते हैं, हम उसका मीनिंग नहीं निकाल सकते हैं। अगर हम उसका एक वर्ड रीडिंग कर रहे हैं जी आर्म चेयर, आर्म चेयर, तो क्या निकलेगा आर्म चेयर से, जब तक हम पूरे हालात का जायज़ा नहीं ले रहे। जनाब हैडा ने आर्म चेयर्स का मतलब क्या आपने हमें बताने की कोशिश की है कि अथॉरिटी ये पावर है, जो ही उस पावर पे जज ब्रेक बैठते हैं तो जनाब हमें पता चल जाता है कि ये यहाँ पर है। अब उसी आर्म चेयर को अगर हम जाकर देखें मिस्टर ब्लीमी में, ये फिलिप्स लार्किन की पोइम में जाकर देखें, तो वहाँ आर्म चेयर का मतलब कुछ और है, वहाँ वो आर्म चेयर का मतलब अथॉरिटी नहीं है, वहाँ उसका सिंपल मतलब बन जाता है। इस तरह से डिफरेंट चलते हैं इनके मीनिंग्स ऑफ फोनेटिकली, अगर उनको हम देखें कि डिस्टिंग्विशेबल, इनमें फ़र्क देखा जा सकता है फ्रॉम कैप कट एंड कॉप का एंड सो ऑन, ऐसे ही काफ़ी आगे भी चलते जाते हैं। द सिग्निफाइड, जो अगर हमारे सामने एक सिग्निफाइड आया था, क्या हमारे सामने आया था, एक ख्याल जो हमारे सामने रखा गया था, किसका, अ कप। डिपेंड्स ऑन इट सिमेंटिक, सिमेंटिक होते हैं मीनिंग के ऊपर, डिफरेंस फ्रॉम द रिलेटेड टर्म्स जो कि मुख्तलिफ हैं अपने इस्तेहालात में, सच एज ए बीकर, एक बीकर भी होता है, एक वाइन ग्लास भी होता है, एक मग भी होता है, एक टैंकर भी होता है, लेकिन हमारे जहन में कप ही आना है, हमारे जहन में कोई बड़ा सा मग नहीं आ जाना, कोई टैंकर्ड नहीं आ जाना, कोई ग्लास नहीं आ जाना, सिर्फ कप ही आएगा। इट इज़ योर डिफरेंट, ऐसे होते हैं टू प्रोड्यूस इट्स मीनिंग, और अपने मीनिंग्स के साथ वो हमें सामने आते हैं। डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट सिचुएशंस एंड डिफरेंट टाइम्स बाय डिफरेंट माइंड्स। इट इज़ इन दिस रिस्पेक्ट, अगर इस रिस्पेक्ट में देखें, डैट लैंग्वेज इज सेड टू बी डायाक्रिटिकल। तो लैंग्वेज को क्या कहा जाता है, डायाक्रिटिकल कहा जाता है। और डायाक्रिटिकल क्या है, एक ऐसी अप्लाइड पॉइंट्स है जो मार्क करती है और डिस्टिंग्विश करती है, फर्क करती है लेटर्स के लेटर के दरमियान। और लेटर्स कौन से होते हैं कि एक लेटर डिफरेंट औकात पर क्या साउंड देता है, क्योंकि उसके साथ जो लेटर लग रहा है ना डायाक्रिटिकल में, जैसे कप कट खॉप, तो वो है तो का ही, लेकिन कै काट खोप, वो उसने अपनी आवाज़ों को चेंज करवाया अपने साथ लगने वाले लेटर की वजह से। ये डायाक्रिटिकल की थ्योरी होती है। इट डिपेंड्स ऑन अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम, एक बड़ा इसका मुनज्जम निज़ाम होता है ऑफ डिफरेंसेस और इट्स मीनिंग, फॉर इट्स मीनिंग, और अपने मीनिंग्स में भी ये मुख्तलिफ होता है। ये सारे मीनिंग्स एक नहीं निकल रहे, कप और है, कैप और है, कट और है, कॉप और है, सबके मीनिंग्स डिफरेंट है। द डिफरेंशियल सिस्टम ऑर्गेनाइज, अब देखें जनाब यहाँ पर जो मुख्तलिफ निज़ाम हस्ती है, ऑल एस्पेक्ट्स इन तमाम अनासर की ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के इन वेरियस रिलेशनशिप्स, इनका बहुत डिफरेंट ताल्लुक है। द सिक्वेंशल और कॉम्बिनेटरी, अगर हम इसको देखें कि ये सिक्वेंशल है, इसकी बड़ी तरतीब चलती है, और इसका बड़ा आपस में कॉम्बिनेटरी भी है, इसका ताल्लुक भी है, यानी एक दूसरे के साथ इसकी कॉम्बिनेशंस है। बिटवीन द थ्री ऑफ फोनीम्स, इन तीनों फोनीम्स के अंदर अगर देखें, फोनीम्स यही हमारी आवाज़ें थी, विच कंप्रेस, जो कि कंप्रेस करती है, इस फोनीम्स में अगर देखते हैं कंप्राइज करती है दिस साउंड इमेज, इस साउंड इमेज को, साउंड इमेज को अगर आगे चलते हैं, तो क्योंकि साउंड की ही हमने बात की है ना, यहाँ पर जो हमें साउंड दिखाए गए थे, इन साउंड्स के साथ अगर देखें, इनके डिफरेंट आवाज़ें निकलती हैं डिफरेंट औकात में, जैसे खा खे खो, एक ही वर्ड को डिफरेंट साउंड्स में दिया गया है, खप और डैट। बिटवीन द सिनेटिकल, सिनेटिकल यूनिट्स ऑफ द सेंटेंस, और ये सिनेटिकल यूनिट था सेंटेंस का, जुमले का, जहाँ पर हमें इसने अपना एक लफ्ज़ ने जब दूसरे अल्फाज के साथ मिल गया, तो ये सिनेटिकल बन गया।
और सिनेटिकल हमारा वही सिंथेसिस, जब मुख्तलिफ अल्फाज को जोड़ा जाता है तो इनकी क्या थ्योरी निकलती है। द कप इज ओवरफ्लोइंग इज टर्म्ड सिंटैग्मेटिक और बाय सुशार्स। सुशार्स ने जो इसकी सिग्मेटिक की थ्योरी दी है, सिंटैग्मेटिक की थ्योरी दी है, उससे ये बाहर निकल जाती है हमारी इस थ्योरी को। अगर देखें सिंटैग्मेटिक थ्योरी, यस, तो हम बात कहाँ पर कर रहे थे, हमारी बात हो रही थी कि द सिक्वेंशियल ऑफ कॉम्बिनेटरी रिलेशनशिप्स, जो इनके तरतीब के साथ आपस में जोड़ेदार निज़ाम, कॉम्बिनेटरी जो जोड़ेदार निज़ाम के रिलेशन चलते हैं बिटवीन द थ्री फोनीम्स, इन तीनों फोनीम्स में, इन तीनों आवाज़ों में विच कंपोज द साउंड इमेज कप। और ये तीनों साउंड कौन से थे, तीनों फोनीम्स कौन से थे, ख अ प। एक फोनीम है ख, एक अ और एक फ, ये सारे के सारे फोनीम्स चल रहे थे। और डैट बिटवीन द सिनेटिकल यूनिट्स, और सिनेटिकल यूनिट्स क्या कर रहे थे, ये वो मसनू किस्म के यूनिट्स थे जो हर वक्त सेम नहीं रहते, कभी यहाँ कभी वहाँ चेंज होते हैं ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर द कप इज ओवर फ्लोइंग इज टर्म्ड सेंटेगमेटिक। अब ये सेंटेगमेटिक एक तरकीबी सी टर्म थी, जनाब के कप में से निकल रहा है पानी। अब ये नहीं कि कप ओवरफ्लो कर रहा है, कप के अंदर जो पानी है वो ओवरफ्लो कर रहा है, कप इज ओवरफ्लोइंग ये नहीं कह सकते कि भाई कप ओवरफ्लो हो रहा है, कप के अंदर जो पानी है वो ओवरफ्लो हो रहा है, तो हमें मीनिंग्स ऑटोमेटिकली समझ आ गए हैं इसके सेंटेगमेटिक लिहाज से, इसकी तरकीबी लिहाज से, क्योंकि पूरा जुमला हमने पढ़ा तो हमने जुमले के लिहाज से पता लग गया कि भाई कप ओवरफ्लो नहीं हो रहा, कप के अंदर जो मौजूद मवाद है वो ओवरफ्लो हो रहा है। बाय सुशार्स, जो सुसार्स ने इसकी, सुसार्स ने इसकी इस थ्योरी दी थी। दोज रिलेशनशिप्स, अब ये जो सारे के सारे उसने रिलेशनशिप बताए, ये ई इसका माइनस हुआ ऑफ एब्सेंस, वो तकरीबन गायब हैं, विच आर ब्रॉट इन टू ऑपरेशन एट द लेवल ऑफ बोथ। और ये कैसे लाए जा सकते हैं, जब हम जनाब इनका ऑपरेशन करते हैं, इनकी खोज करते हैं, ऑपरेशन क्या होता है, किसी चीज़ को जो चीर फाड़ करके उसके अंदर से निकालते हैं, एट द लेवल ऑफ द बोथ सिग्निफायर। एक तो हम सिग्निफायर को पकड़ लेते हैं, द नेम कप्स के, वो कप में क्या आवाज़ दे रहा है, नॉट कट, वो खट नहीं है, वो खप है, फ ठ और फ और ठा का फ़र्क भी हमें पता लग जाता है, हम इसका जो ऑपरेशन करते हैं एंड सिग्निफाइंड। और फिर हमें वो तसव्वुर जहन में आ जाता है कप नॉट ए मग के बजना, वो कप है मग नहीं है हमारे जहन में आने वाला तसव्वुर, और खर्ड भी नहीं है। इट इज़ लाइक दिस आर टर्म्ड एसोसिएटिव, और ये वो टर्म है एसोसिएटिव जो जोड़ती हैं हमें, जो हमें मिलाती हैं, कि लफ्ज़ को देखा लफ्ज़ के साथ, एक वर्ड को देखा वर्ड के साथ लफ्ज़ को देखा, लफ्ज़ के साथ जुमले को देखा, जुमले के साथ समझा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। लेटर नॉन एज पैराडाइमेटिक, और इसको बाद में पैराडाइमेटिक कहकर पुकारा गया है इसी टर्म को। दस लहाजा एनी साइन कैन बी रिगार्डेड, किसी भी साइन के हवाले से, एज द कंजक्शन, चाहे वो निशानात भी होते हैं ऑफ अ रेंज ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें बहुत ज़्यादा अनासिर की रेंज होती है, एक कितार पाई जाती है, लिंक्ड ताल्लुक होता है टू अ वाइडर सिस्टम, एक बड़े निज़ाम में उन सब का आपस में ताल्लुक होता है। कंजक्शंस में हमें क्या क्या दिखाए जाते हैं, हमें वो साइंस दिखाए जाते हैं ना, भाई हुर्रा क्या है, आह क्या है, और ये जुमलों को जोड़ते कैसे हैं, बट बिकॉज, ये सारे कंजक्शंस आ जाते हैं कि इसमें हमने जुमले को कैसे जोड़ना है, जुमले के साइन को कैसे देखना है, वाइडर निज़ाम है इसका, कंजक्शंस के टर्म हमारी स्पीच ऑफ उसमें पार्ट ऑफ स्पीच में आ जाती है, ऑफ लैंग्वेज में हमारे जनाब वाइडर सिस्टम होता है, बोथ बाय व्हाट इज प्रेजेंट, क्या मौजूद है, एंड व्हाट इज ओमिटेड, और क्या जो है वो हमसे छूट गया है। बिकॉज लैंग्विस्टिक एलिमेंट्स, ये जो लैंग्विस्टिक के कुछ अलामतें होती हैं, ओनली अक्वायर मीनिंग्स अकॉर्डिंग टू द पैराडाइमेटिक। पैराडाइमेटिक के जरिए ही वो अपने मीनिंग्स निकालते हैं, एमए वो अपने मीनिंग्स नहीं निकाल देते जब तक वो पैराडाइमेटिक थ्योरी में नहीं होते, और साइंटैग्मेटिक थ्योरी में नहीं होते। साइंटैग्मेटिक थ्योरी भी वही थी जिसमें हमने जाकर देखा कि इन्होंने अल्फाज के अंदर जाके मीनिंग तलाश करने हैं, ये नहीं रहना कि अल्फाज का ऑपरेशन करना है, उनके ऑपरेशंस करने के बाद उनके तरकीबी निज़ाम में जाना है, कौन सा लफ्ज़ कहाँ सेट बैठता है। खुद से तो लफ्ज़ नहीं बने बनाया है ना, हमने तो कोई नया लफ्ज़ नहीं बनाया, जो लफ्ज़ बनते आए हैं उन्हीं लफ्ज़ को आगे जाके तरतीब दे के तो उन्हीं लफ्ज़ पे आगे काम हो रहा है। ये पैराडाइमेटिक, सेगमेटिक, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, इन सब के ऊपर मैं छोटा सा एक और क्लिप बनाऊंगी ताकि आपको इनकी थ्योरीज मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। और आगे चलते हैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए।
इनके रिलेशनशिप बताए थे जनाब, इनके मीनिंग्स के लिहाज से रिलेशनशिप विद द ओवरऑल सिस्टम, पूरे सिस्टम में फिर इनका ताल्लुक होता है, एंड नॉट एज अ रिजल्ट ऑफ अ लिंक, इनका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, नतीजा नहीं निकलता इनके ताल्लुक के दरमियान, बिटवीन द साइन किसी भी निशान का एंड द रेफरेंस और उसका ताल्लुक हो, उसका हवाला हो, और एक्सटर्नल रियलिटी या कोई उसकी बाहर की रियलिटी के साथ उसका कोई हवाला हो. स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप एंड कैन बी स्टडी सच एज, रिलेशनशिप्स का जो स्ट्रक्चर है उसको ऐसे भी स्टडी किया जाता है. दिस गिव्स राइज टू सुशार अदर्स मेजर डिस्टिंग्विश. डिस्टिंक्शन क्या होती है, उसके दूसरे जो इम्तियाज है ना उनके साथ भी इसकी ये थ्योरी को मिलाया जाता है. जैसे कि बिटवीन लैंग, लैंग क्या है, लैंग लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज से निकला है, और ये लैंग एक बिग स्ट्रक्चर है, द कम्प्लीट सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, यानी बहुत बिग स्ट्रक्चर है, इसमें सब कुछ आ जाता है, जिसमें हम लैंग्वेज की सारी चीज़ें लेके आ जाते हैं. और पैरोल आगे, पैरोल क्या है, लॉन्ग लैंग का मतलब था बोली और पैरोल का मतलब है जुबानी. ये एक एलिमेंट है, ये इंडिविजुअल जो है अटरनेस आ जाती है विच डाइवर्स फ्रॉम इट. ये क्या करता है, ये लैंग्वेज के अंदर छोटे छोटे से पैरोल्स होते हैं जो अपना किरदार पेश करते हैं, और ये टिपिकल स्ट्रक्चरल इस प्रोसेस है ऑफ मूविंग फ्रॉम द प्रैक्टिकल टू द जर्नल. पहले तो प्रैक्टिकल बनता है, फिर खास होता है, और फिर उसे आम कर दिया जाता है. द इंडिविजुअल वर्क विद अ वाइडर स्ट्रक्चर वर्क, स्ट्रक्चर वर्क से निकलता है. द मीनिंग अंडरस्टैंडिंग इज स्ट्रक्चरलिज्म. ये हम जानते हैं कि जब मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं तो वो स्ट्रक्चरलिज्म कहलाता है, और रियल फिक्स को, फिक्स मीनिंग को हमने अंडरलाइन करना होता है. अगर हम लैंग्वेज और पैरोल में जाएं तो ये भी हमारे लैंग्विस्टिक के वर्ड्स आ जाते हैं, कि लैंग्वेज में कौन कौन से कंप्लीट निज़ाम होते हैं और वो आगे चल के कौन कौन सी शाखों की तरफ जाते हैं. यानी एक अगर बुनियाद है तो उसके कौन कौन से कमरे निकलते हैं, एक दरख्त है तो उसकी कौन कौन सी शाखें निकलती हैं, वो पैरोल बन जाता है. लैंग इज़ द प्रॉपर एरिया, ये एक बड़ा ही प्रॉपर एरिया है, मुनासिब एक रकबा है इसको लिंग्विस्टिक का, लिंग्विस्टिक स्टडी में इनेबलिंग वन, एक शख्स को ये इस काबिल बना देता है टू आइडेंटिफाई के वो शनाख्त करे द अंडरफाइंग प्रिंसिपल्स, जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स है, जो उसके तहत आने वाले असूल हैं, बाई विच लैंग्वेज फंक्शंस इन प्रैक्टिस, जिनके जरिए लैंग्वेज का काम अपने जोर शोर से चल रहा है. ये हमारा क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल एंड वॉच द लिंक विच इज़ अपियरिंग ऑन द स्क्रीन लेटर ऑन, एंड प्रेस द बेल आइकॉन ऑल्सो फॉर गेटिंग मोर वीडियो. अल्लाह हाफिज़.